सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल चटानी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज ईश्वर पर परिचर्चा करेंगे हम। पिछले एपिसोड में हमने परिचर्चा की थी कि निर्जीव चिन्ह शिवलिंग बिंदु चिराग दीपक हम इनकी पूजा क्यों करें। आशा है आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अब एक और बात करते हैं कि ईश्वर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय समय पर महान आत्माओं को धरा पर भेजती है और उनके साथ ईश्वर का संबंध और संपर्क हमेशा बना रहता है। परम शक्ति यानी सबसे ऊपर की शक्ति, सर्वोच्च शक्ति यानी ईश्वर, उनका मार्गदर्शन करती है और उन्हें अपने बारे में ज्ञान देती है। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईश्वर उनका शरीर भी धारण करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम आपको बाद में देंगे। जिस शरीर को ईश्वर धारण करें और चेतना पर यानी आत्मा पर कुछ समय के लिए ईश्वर नियंत्रण करता है उस शरीर को, और उस शरीर में ईश्वर फिर बात करते हैं और अपने बारे में ज्ञान देते हैं। ये क्यों होता है? किसी सीमा तक ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, वाहेगुरु कह लो, गॉड कह लो, राधा स्वामी कह लो, निरंकार कह लो, ये चीजें जो विशेषण है पर हमें ये दिखाई नहीं देते कोई भी ईश्वर वगैरह, किसी सीमा तक ये ईश्वर उस शरीर के माध्यम से अपने नियमों का, अपने गुणों का, शक्तियों का प्रदर्शन करती है, लेकिन ईश्वर उसका अस्तित्व उस शरीर से हमेशा अपना अलग भी दर्शाती है। वह शरीरधारी ईश्वर की ओर इशारा करता है और ईश्वर केवल उसी को महत्व देता है। चाहे प्रदर्शन ईश्वर ही करे परंतु दिखाई तो वो व्यक्ति ही देता है, तो लोग उस व्यक्ति को ईश्वर का रूप मान लेते हैं और ईश्वर उस व्यक्ति को अपने रूप में मान्यता भी देती है। उस व्यक्ति के रूप में शिव शक्ति कह लो, परम शक्ति कह लो, ईश्वर कह लो, उनके श्रद्धालुओं को उसी रूप में दर्शन भी देती है और उस व्यक्ति का मान सम्मान भी करवाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भगवान श्री कृष्ण। यानी हम भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता के माध्यम द्वारा हमें विराट रूप दिखाया कुरुक्षेत्र में, महाभारत में, और हमें ज्ञान दिया, अर्जुन जी को ज्ञान दिया, विराट रूप दिखाया, गीता का ज्ञान दिया और बताया कि मैं कौन हूं, उस वक्त ईश्वर शिव शक्ति माया रूप में उनके शरीर में प्रवेश करती है और चेतना पर पूर्ण नियंत्रण करके अपने गुण स्वयं बताती है। मुख श्री कृष्ण जी का होता है लेकिन बताती क्या है? शिव शक्ति यानी सर्वोच्च शक्ति अपने गुण बताती है। तो हम वैसे तो कृष्ण जी भगवान हुए, भगवान बहुत बढ़िया शब्द बना है कि जिसमें वो भाग्यवान होता है, कि नहीं वो शरीर, वो भाग्यवान शरीर जिसके अंदर ईश्वर शरीर को धारण कर ले और आत्मा को नियंत्रण करके उस पर बात करे, तो ऐसी मान्यता ईश्वर भी शरीर को दे देते हैं। जैसे शिव शक्ति ने भगवान श्री कृष्ण को मान्यता दी और उनके माध्यम द्वारा अपने गुण नियम शक्तियां प्रदर्शन की। तो एक तो इस तरह से भी हम ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। इसके बड़े मतभेद आगे निकलेंगे कि श्री कृष्ण भगवान है, ईश्वर नहीं है। भगवान वो होता है जो भाग्यवान से शब्द से बना है, जिसके शरीर में ईश्वर प्रदर्शन करे वो इतना शरीर भाग्यवान होता है, तो इसलिए उसको भगवान कहते हैं। लेकिन अंततः भगवान तो सिर्फ एक ही है जो अदृश्य से सदृश बना है, यानी भगवान शिव। तो ये समाज में श्री कृष्ण जी को 16 कला संपूर्ण मानते हैं, लेकिन जो हमें शिव शक्ति ने यहां पर ज्ञान दिया है उसके हिसाब से ईश्वर ने, शिव शक्ति ने शरीर को धारण किया भगवान श्री कृष्ण का और उनको मान्यता भी दी। देखिए जब से वो पैदा हुए तभी से उनके जेल के द्वार खुल गए, इत्यादि इत्यादि कई चमत्कार भी किए, तो उनके माध्यम से अपने गुण नियम
और शक्तियों का प्रदर्शन किया और बहुत ही बढ़िया समाज में जीने का, रहने का ढंग एक इंसान को दिया। तो इस तरह जो है शिव शक्ति